बाद में साधु महात्मा कहेंगे अब तो कर लो ना, बोले नहीं नहीं इसकी शादी कर देंगे, बिटिया की शादी कर देंगे, उसके बाद भजन करेंगे। वो हो जाएगा तो बोलेंगे अब करो ना, बोले इनके घर लाला हो जाएगा ना, पोता हो जाएगा, उसको खिला के फिर करेंगे। अब पोता भी हो जाएगा तो फिर कहेंगे अब तो करो ना, कहेंगे अरे पोता भी छोटा है, इसकी मम्मी काम करती है तो इसको संभालना पड़ता है, इसीलिए हम बाद में भक्ति करेंगे। अब पोता बड़ा हो जाएगा तो फिर कहेंगे इसकी शादी कर ले, उसके बाद में फिर भजन ही भजन करना है। और ऐसे करते करते समय निकल जाता है और काया जर्जर हो जाती है, तब भी भजन फिर होता नहीं है। और ये कल्पना में सदैव खोए रहते हैं और कल्पनाएं कभी पूरी नहीं होती है। एक व्यक्ति था, पहले के लोग जो सरसों आदि का तेल निकाल करके जो बेचते थे, तो एक व्यक्ति था, ये भी रोज तेल निकाल करके बेचने जाता था, इसी से इसका घर चलता था। आज क्या हुआ कि थोड़ा सा तेल ज्यादा निकल गया, तो इसने सोचा आज तो मेरा पूरा घड़ा भर गया है, आज तो बेचने जाऊंगा ना तो पैसा भी बहुत सारा मिलेगा। अब ये सिर पर घड़ा लेकर के सोच रहा है कि आज पैसा ज्यादा मिलेगा, फिर क्या करोगे? तो फिर बोले कि पैसा ज्यादा मिलेगा तो फिर मैं घर बनाऊंगा बढ़िया से, फिर क्या करोगे? फिर बोले गाड़ी लाऊंगा, फिर क्या करोगे? बोले गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी बन जाएगा, तो फिर बहुत सारे रिश्ते मेरे लिए लाइन लगा करके खड़े रहेंगे कि मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो, तो मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगा, एक बेटी के साथ में मैं शादी कर लूंगा, फिर क्या होगा? बोले फिर घर गृहस्थी हो जाएगी, फिर चार बाल गोपाल होंगे, फिर उसके बाद में एक दिन मैं आराम से सोफे पर बैठूंगा, छोटा वाला थोड़ा मस्ती ज्यादा करेगा तो कीचड़ लगा करके वो आ जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा, बेटा नहीं 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 जल्दी से अपनी मम्मी के पास जाओ, पहले वो हाथ मुंह धुला लो, उसके बाद में मेरी गोदी में आना। और जैसे वो बच्चा नहीं मानेगा और आकर के धम से जैसे मेरी गोदी में गिरेगा, मुझे गुस्सा आएगा, मैं उठा करके धम से नीचे फेंक दूंगा। अब कल्पना करते करते भूल गया कि मेरे सिर पर मटका है और बच्चे के चक्कर में इसने मटका ही नीचे दे मारा, तो सारा मामला चौपट हो गया। अब बैठा बैठा रो रहा है कि भगवान सब गड़बड़ हो गया। एक महात्मा जी बोले काहे रो रहे हो? बोले महाराज सब कुछ बन गया था, घर भी बन गया था, गाड़ी भी आ गई थी, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, पर छोटा वाला इतना मस्ती वाला निकला कि कीचड़ में लतपत होकर के गोदी में बैठ गया, मैंने उठा करके उसको फेंक दिया महाराज, और ये सब चौपट हो गया है। तो महात्मा जी ने कहा कि कल्पना में अगर खोए रहोगे तो ऐसा ही चौपट मामला होगा, इसलिए कल्पना से बाहर आओ। संसार में हम सदैव यही सोचते कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन कभी पूरी नहीं होती है। शरीर बुढ़ापा आ जाता है शरीर में, और फिर कहेंगे कि हम भजन करें तो भैया बुढ़ापे में कहने जाओगे राम राम, निकलेगा आम आम, क्योंकि दांत नहीं रहेंगे तो फिर तो आम ही निकलेगा ना। राम बोलने जाओगे तो राम नहीं निकलेगा, फिर आम निकलेगा। आंखों में आ जाते हैं जाले, कान में सुनाई नहीं पड़ता है, शरीर चलने के लायक रहता नहीं है, उसके बाद में अगर भक्ति करे तो भक्ति होती नहीं है। तो श्री नारद जी से अयोध्या के लोगों ने कहा कि हमारी कामना जो है पूरी नहीं हुई है, अभी श्री राम राजा बनेंगे, उसके बाद हम प्रसन्न होंगे। तो आज अयोध्या के इतिहास में घटना बहुत छोटी है, लेकिन ये इसका ये रूप बड़ा लेती है, यहाँ से अयोध्या की कथा अलग मोड़ लेती है, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया है क्या, एक समय सब सहित समा जा।
सभा में बैठे हुए हैं और आज पहली बार, सभा में तो रोज ही बैठते हैं, लेकिन आज पहली बार श्री महाराज दशरथ जी ने द्वारपालों से कहा कि जरा दर्पण को लेकर के आओ, मैंने ठीक से अपना चेहरा देखा नहीं है। जबकि सभा में तो रोज आते हैं, पर आज अचानक इनका मन हुआ कि मैंने दर्पण में जरा ठीक से देखा नहीं है, तो लेकर के दर्पण को आओ। द्वारपाल तुरंत दर्पण को लेकर के आते हैं, तो श्री महाराज दशरथ जी ने जैसे ही अपना चेहरा देखा तो आज पहली बार चेहरे पर उन्हें कुछ कमी लग रही है। देखो, लंका पूरी सोने की है, अयोध्या के लोगों को दर्पण में देखने की आदत है, लेकिन लंकावासी जो है, लंका पूरी सोने की रावण ने बनाई है, लेकिन एक भी जगह पर रावण ने शीशा नहीं लगाया है, दर्पण नहीं लगाया है। और अयोध्या का महल कैसा है महाराज दशरथ जी का? मणि का महल बना हुआ है, और मणि में तो अपना चेहरा स्वतः ही दिख जाएगा, जहाँ लगी है वहाँ चेहरा दिख जाएगा। तो महाराज श्री दशरथ जी ने महल मणि का बनवाया है, जिसमें अपना चेहरा हर समय दिखाई पड़ता है, लेकिन रावण ने अपनी लंका सोने की बनाई है, एक भी दर्पण उसने लगाया नहीं है। कारण क्या है? अयोध्या वासी को दर्पण में देखने का शौक है, लंका वासियों को नहीं है, इसलिए उसने शीशा नहीं लगाया। सारांश ये है, अर्थ ये है कि दर्पण क्या करता है, दर्पण को जब भी आंखों के सामने लाए, अच्छा बताओ, आज तक अपनी आंखों के द्वारा अपना चेहरा किसी ने भी बिना दर्पण के देखा है? दर्पण का सहारा नहीं लेकर के अपनी आंखों से अपना चेहरा देखा है? दूसरों का तो देख लेंगे कि तुम्हारे चेहरे में आज ये काला लगा है, ये गोरा लग रहा है, ये ऐसा है, जरा ठीक करो, लेकिन हम अपना चेहरा बिना शीशे के कभी देख पाए? दर्पण कहता है, जब हम दूसरे को टोकते हैं तो शीशा कहता है दर्पण कि तू दूसरों को देखना बंद कर, पहले अपने खुद की शक्ल देख कि तेरी कैसी हो रही है। अर्थ यह है कि अपने अवगुणों को देखना बहुत कठिन बात है और दूसरों के अवगुणों को देखना बहुत सरल बात है। और हम संसार के लोगों का नियम है कि हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, तुम में ये हो, तुम में ये गड़बड़ी, लेकिन हम कभी भी अपने आप को नहीं देखते। तो लंकावासी सदैव दूसरों के अवगुणों को देखना पसंद करते हैं, इसलिए वो दर्पण नहीं रखते, क्योंकि दर्पण सच्चाई को दिखाता है, स्वयं के अवगुणों को दिखाता है, और लंकावासी स्वयं के अवगुणों को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो दर्पण नहीं रखते। और अयोध्या के लोग सदैव अपने आप को देखते हैं कि हम दूसरों को टोक रहे, उससे पहले अपने आप को तो देखें कि हमें कोई कमी है कि नहीं है, हमें कोई अवगुण है कि नहीं है, इसलिए अयोध्या के लोग दर्पण देखते हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा जरा लेकर के आओ, मैंने ठीक से चेहरा नहीं देखा है। तो यद्यपि श्री तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी थोड़े नाराज हुए कि अगर दर्पण देखना है तो घर में कितने घंटों बैठे रहो, सभा में आकर के दर्पण देखे वो ठीक नहीं है, पर फिर भी महाराज का स्वभाव है दर्पण में देखना, दर्पण मंगवाया। तो आज दर्पण में इन्होंने जब चेहरा देखा तो इनका मुकुट जो था वो थोड़ा टेढ़ा था और कान के पास में सफेद बाल थे। तो श्री महाराज दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा है, इसका मतलब राजसत्ता टेढ़ी हो गई है, और महाराज दशरथ, ये दर्पण आपको संकेत देता है कि राजसत्ता टेढ़ी हो गई है, और ये पूरी तरह से टेढ़ी ना हो उससे पहले ही राजसत्ता श्री राम को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मुकुट टेढ़ा हो रहा है इसका मतलब राजसत्ता वो टेढ़ी होने वाली है। तो महाराज दशरथ जी ने वैराग्य आ गया मन में, निर्णय ले लिया कि निश्चित रूप से अब राजसत्ता श्री राम को सौंपना है। तो उसी समय श्री महाराज दशरथ जी ने सोचा कि पहले सारे लोगों से जानकारी ले ले कि कौन श्री राम को युवराज पद पर देखना चाहता है। तो सारे लोगों ने कहा कि उधर से कह रहा कि हाँ, सारे लोग नाचने लगे कि हम तो चाहते ही महाराज कि आप राजा, बहुत राजकाज आपने कर लिया है, आप थक गए हो, इसलिए अब आप विश्राम करिए और श्री राम को कारभार सौंप दीजिए, श्री राम काम करे, आप राजा बनिए, आप निवृत्त हो जाइए राजकाज से। तो महाराज दशरथ जी ने कहा क्यों भाई, मेरे शासन में आप दुखी हो? तो लोगों ने कहा कि महाराज आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके शासन में हम दुखी हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप तो हजारों साल और जिए और प्रसन्न रहे, परंतु हम ये चाहते हैं कि लाला ही चौथेपन में हुआ था, तो बुढ़ापे से भी ज्यादा आपकी आयु हो गई है, तो आप राजकाज करते करते महाराज थक गए हो, इसलिए थोड़ा सा आप विश्राम करो और श्री राम कार्यभार संभाले, क्योंकि श्री राम योग्य हो गए हैं।
अब श्री महाराज दशरथ जी ने देखा कि सारे लोगों के बीच में मेरे श्री राम को सबने पसंद किया है, तो यह सोच करके महाराज दशरथ जी ने कहा सब लोगों से तो सलाह ले ली है, अब यहाँ से श्री महाराज दशरथ जी जाते हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास में। तो श्री वशिष्ठ महाराज जी से पूछा कि गुरु जी ऐसा है मैं श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ, तो एक बात बताइए कि आपकी सहमति है कि नहीं है। तो गुरु जी तो ब्रह्म ऋषि है, वो जानते हैं कि श्री राम के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, श्री राम जी जिस समय जिस क्षण जो कार्य करना चाहे उसी समय समझो शुभ मुहूर्त आ गया है, और जब तक उनकी इच्छा किसी कार्य को करने की नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त काम में नहीं आता है। ये मुहूर्त, ये नक्षत्र, ये ग्रह तो हम संसार के लोगों के लिए है, श्री राम जी के लिए नहीं है। तो गुरु जी तो जानते हैं कि यहाँ से अयोध्या के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला है, श्री राम राजा नहीं बनेंगे क्योंकि श्री राम की इच्छा ही नहीं है कि वो राजा बने, इसीलिए। लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में श्री राम जी के काज में मेरा भी उल्लेख होगा, लोग मुझे भी याद करेंगे, इसलिए श्री राम काज में मुझे सहायता करना है। तो वशिष्ठ जी जानते कि श्री राम राजा नहीं बनेंगे, पर बहाना करते हुए कह दिया कि हाँ राजन कल ही शुभ मुहूर्त है, आप तीर्थों का जल मंगवा लो और श्री राम को कल ही राजा बना देंगे। महाराज प्रसन्न हो गए, कहा गुरुजी ठीक है आप स्वयं जाकर के वहां पर श्री राम को सूचना देना, और सारे तीर्थों का जल मंगवा लिया, और श्री महाराज दशरथ जी सारे दूतों भाटों सबको कह दिया आप घोषणा करो, और वशिष्ठ महाराज जी से कहा कि मेरा राम बहुत संकोची स्वभाव का है, इसलिए आप श्री राम को खुद मनाने के लिए जाओ और गुरु जी से कहना कि तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा ठीक है, श्री महाराज दशरथ जी यहाँ से चले जाते हैं, और इधर गुरु वशिष्ठ महाराज जी तो जानते हैं हाथ में कमंडल लिया और श्री वशिष्ठ महाराज जी श्री राम जी के पास में पहुंचते हैं। घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे निज मंदिर के माए बाई मेरा नाचे,
जाते हैं और उस वशिष्ठ महाराज जी समझा करके यहाँ से चले जाते हैं कि आपके पिता आपको राजा युवराज पद की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं। वशिष्ठ महाराज जी यहाँ से चले जाते हैं। श्री राम जी उदास हो जाते हैं। जानकी जी ने पूछा कि आप तो राजा बनने वाले हो, इसीलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप इतने दुखी हो गए हो। तो श्री राम जी ने जानकी जी से कहा कि जानकी, इस कुल में यही अनुचित हो रहा है, हम सारे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, मतलब थोड़ी छोटे बड़े हैं, एक साथ जन्म हुआ है, बाल लीला एक साथ में हुई है, जनेऊ संस्कार एक साथ में हुआ है, विवाह एक साथ में हुआ है, लेकिन राज के समय में राजगद्दी प्रदान कर रहे हैं पिताजी मुझे अकेले को, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे छोटे भाई शासन करे, मैं ये चाहता हूँ तो राजगद्दी पर तो भरत बैठे तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो यही विचार करके श्री राम जी, जानकी जी कुछ समझ नहीं पाए और श्री राम जी ने आदेश दिया एक दासी को कि तुम जा करके मेरी माँ कैकेयी से कहना कि श्री राम के सर में दर्द है, इसीलिए आपको जल्दी से बुलवाया है। तो दासी दौड़ करके श्री माँ कैकेयी के पास में जाती है और माँ कैकेयी से कहती है कि राजकुमार, आपके श्री राम के सर में दर्द है। तो सुनते ही श्री माँ कैकेयी बिना ही चरण पादुका के यहाँ से दौड़ करके चलती है। अब देखो श्री माँ कैकेयी संसार में आधे लोग उनकी बुराई करते हैं, आधे तारीफ करते हैं। श्री नारद जी के मन में भी यही बात है कि श्री माँ कैकेयी अच्छी नारी है कि खराब है, कैसी नारी है। तो श्री नारद जी ने कैकेयी माँ के फाइल को उठाया और लेकर के पहुंचे कहाँ पर, चित्रकूट धाम में श्री राम जी के पास में। राम जी से पूछा कि ये बताओ राघव कि कैकेयी माँ संसार में अच्छी नारी है कि खराब है। तो श्री राम जी ने कहा कि उनके समान अच्छी और महान नारी तो संसार में कोई है ही नहीं, वो उतनी अच्छी है। तो श्री नारद जी वहां से फाइल को उठाए और पहुंचे कहाँ पर, नंदी ग्राम में श्री भरत जी के पास में। आप बताओ कि कैकेयी माँ अच्छी नारी है कि खराब है। तो नंदी ग्राम में श्री भरतलाल जी ने कहा कि उनके समान तो दुनिया में कोई खराब नारी है नहीं, वो इतनी खराब नारी है। तो श्री नारद जी ने कहा कि ये तो पक्ष विपक्ष वाली बात हो रही है, ऐसा करें कि किसी तीसरे पक्ष के पास में जाते हैं जो निर्विवाद है, जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा पक्ष श्री सुमित्रा मैया के पास में जैसे श्री नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि माँ ये बताओ कि कैकेयी अच्छी नारी है कि खराब नारी है। तो श्री सुमित्रा माँ ने हंसते हुए कहा कि देव ऋषि जी, ना तो मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, ना मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही कि वो अच्छी है, ना मैं ये कह रही हूँ कि वो खराब है। मैं तो आपको तीसरी ही बात बताने जा रही हूँ। क्या बोले, संसार में सबसे ज्यादा महान वही माता है, वही नारी महान माता कहलाने लायक है जिसकी संतान संसार में आए तो तीन प्रकार के संतान को वो संसार में प्रकट करे। या तो उसकी संतान संसार में आकर के रघुनंदन के चरणों की दास बने, भक्त बने, या तो उसकी संतान संसार में आकर के राष्ट्र की सेवा करने के लिए सैनिक बनकर के राष्ट्र की सेवा में जाए, और या तो उसकी संतान दानवीर कर्ण के समान दानी हो। ये तीन प्रकार में से एक प्रकार की भी संतान को प्रकट करने वाली माँ दुनिया में सबसे महान माँ कहलाती है। तो श्री भरत लाल जी जो श्री राम जी के चरणों में इतना प्रेम करते हैं, ऐसे भरत, ऐसे संत शिरोमणि भरत को प्रकट करने वाली वो माँ कैकेयी खराब कैसे हो सकती है। अगर उनकी प्रवृत्ति खराब होगी तो कभी भी श्री भरत जैसी संतान को प्रकट नहीं कर सकती है। दिव्य संतान को प्रकट करने के लिए दिव्यता मन में होना भी जरूरी है। तो श्री माँ सुमित्रा मैया ने कहा कि संसार में मैया कैकेयी के समान कौन है जिसने श्री भरतलाल जैसी संतान को प्रकट किया है। तो उसी समय श्री नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब श्री माँ कैकेयी को बुलवाया तो जैसे माँ कैकेयी मैया आई, अब देखो जो कैकेयी माँ है ये बचपन से बहुत वीरांगना है, रावण के विषय में बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं, राजा लोग भी हैं, लेकिन किसी को रावण के विषय में चिंता नहीं है। अब रावण कितना बड़ा है,
बोले महाराज रघु, महाराज दिलीप, महाराज अज, महाराज दशरथ। चार पीढ़ियां बीतने के बाद श्री राम जी पांचवें नंबर पर आते हैं, तब श्री राम जी के हाथ से रावण मरता है। इसकी आयु बहुत लंबी है। तो श्री माँ केकई बचपन से देख रही है कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग हैं, पर रावण को मारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जब भी मैया की दृष्टि पड़ी कि इतने बड़े वे संत हैं, श्री विश्वामित्र जी इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट है विश्वामित्र जी। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग बनाया, इन्होंने भी स्वर्ग बना दिया। ब्रह्मा जी ने गौ बनाई, इन्होंने भी गौ बना दी। ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाया, इन्होंने जौ बना दी। तो जो नई नई चीजों का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। तो इतने बड़े साइंटिस्ट है पर रावण को मारने के लिए कुछ नहीं करते। महर्षि अगस्त जी इतने बड़े महात्मा जी है कि तीन अंजुलि में सागर को पी जाते हैं, लेकिन रावण को मारने के लिए कुछ नहीं करते। परशुराम जी इतने बड़े संत है, ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, कि जिन्होंने अपने फरसे से 21 बार उद्दंड राजाओं को मारा, लेकिन रावण को मारने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैया ने सोचा कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगा जो रणभूमि में रावण को मारे। तो विवाह किया श्री महाराज दशरथ जी से। तो दशरथ जी की ये दशा है कि मारी सुभाओ बक्सर में 500 किलोमीटर दूरी है अयोध्या से, लेकिन वहीं पर जाकर के इनको ही मारते नहीं है। रावण ब्राह्मण है इसलिए महाराज दशरथ जी को भी डर लगता है कि इसे कौन मारे।